हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत महंती आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी नॉलेज में। और आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है। और इस टॉपिक का नाम हुआ कि स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर में हम लोग नोड पॉइंट्स किसे बोलते हैं और ये नोड पॉइंट का काम क्या है और कौन सा एरिया को हम लोग नोड पॉइंट बोलेंगे। ये पूरा चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी हम लोग देरी ना करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो नोड पॉइंट एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर में। जब हम कोई स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नोड पॉइंट जो पर्टिकुलर जगह होता है वहीं से चारों तरफ आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्कैफोल्डिंग में होता है। तो ये नोड पॉइंट को हम लोग किसको बोलेंगे, तो अभी यहाँ पे जो आपको मैं फोटो दिखा रहा हूँ ये जो एरिया है मतलब आपका स्टैंडर्ड के साथ जहाँ पे लेजर और ट्रांजम आके जॉइंट होता है वहाँ से 150 mm ऊपर और 150 mm नीचे, यानी ये जो 300 mm का जो जगह होता है इसको हम लोग बोलते हैं नोड पॉइंट। तो यही पॉइंट से ही लोड आपका चारों स्ट्रक्चर यानी चारों स्टैंडर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखने का है, तो कभी भी आप लोग अगर ब्रेसिंग लगा रहे हैं स्कैफोल्डिंग में तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने का है, ब्रेसिंग को हमेशा नोड पॉइंट में ही कनेक्ट होना चाहिए। नोड पॉइंट से ऊपर अगर ब्रेसिंग आपको कनेक्ट कर रहे हैं या नोड पॉइंट में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर ये स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए हार्मफुल हो सकता है। और ब्रेसिंग जो होता है ब्रेसिंग हमेशा एंगल में लगना चाहिए और हमेशा स्टैंडर्ड के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ब्रेसिंग को कभी भी आप लोग लेजर या ट्रांजम के साथ कनेक्टेड ना करें, हमेशा इसको स्टैंडर्ड के साथ कनेक्ट करें और नोड पॉइंट में ही कनेक्ट करें। तो नोड पॉइंट के ऊपर जो थोड़ा सा आपको ज्ञान देना था अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया गया है। और ये आप लोग अपना साइट में स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर में इसको देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कौन सा स्कैफोल्डिंग में जो ब्रेसिंग है वो सही जगह पे कनेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर आगे आप लोग देखते रहिए सेफ्टी नॉलेज। धन्यवाद।